नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे कंपनीज के बारे में जो कि रेगुलर बोनस दे रहे हैं कई सालों से, मतलब पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है 2 से 3 बार बोनस दिया है। तो वैसे कंपनी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब जानेंगे वैसे शेयर के बारे में जो मैजिकल रिटर्न देता है बोनस के रूप में। दोस्तों, अगर आप बोनस शेयर के मैजिक रिटर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि कैसे एक मैजिक रिटर्न आपका जो है 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो है इन्फोसिस में मात्र 20 सालों में आपको करोड़पति बना सकता था, जिसमें हमने डिविडेंड को इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम डिविडेंड को भी इंक्लूड करेंगे तो रिटर्न और कई टाइम्स हो जाएगा। विदाउट डिविडेंड को शामिल किए हमने आपको बताया है कि कैसे 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता था। तो उस मैजिक रिटर्न को अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसलिए हम वैसे शेयर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में जो कि कई सालों से सबसे ज़्यादा बोनस दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा बार बोनस देने वाले पिछले 3-4 सालों में जो स्टॉक्स है उस स्टॉक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेनली हम 3 ईयर्स में बात करेंगे कि 3 साल में सबसे ज़्यादा बार बोनस किस कंपनी ने दिया है। 3 साल में कई कंपनियां 3-3 बार बोनस दिया है, किसी ने 2 बार बोनस दिया है। तो वैसे कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अभी स्टॉक मार्केट में भारी करेक्शन है तो ऐसे में बोनस आपको देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि बोनस तब दिया जाता है कंपनी के द्वारा जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश होता है, जिसके पास सरप्लस अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा हाई चला जाता है, मतलब स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्राइस मूवमेंट देखने मिलता है, तब वैसी कंपनियां जिसके पास कैश बहुत ज़्यादा है तो वो बोनस देती है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, अभी तो स्टॉक 50% करेक्शन 30% करेक्शन पे मिल रहा है, तो ऐसे में कंपनियां के जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी 50% करेक्ट है तो वो बोनस कहां से देगी, क्योंकि अगर 1:1 का बोनस देता है तो उसी रेशियो में प्राइस कम कर दिया जाता है। तो शेयर का प्राइस जो है जब बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाता है तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर की सुविधा के लिए कंपनियां उसे बोनस दे करके उसी रेशियो में शेयर के प्राइस को कम कर देती है, जैसे कि छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। और जो बोनस शेयर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है आपके लिए, बिल्कुल जो इन्वेस्टर होते हैं उसे बिल्कुल फ्री में शेयर दिया जाता है उस रेशियो में। तो चलिए हम बात करते हैं जो सबसे पहली कंपनी है वो है हमारा मदरसन सुम्मी। दोस्तों, मदरसन सुम्मी यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का नाम है, अभी प्राइस जो है इसका करेंट प्राइस देखते हैं 93 रुपीज़ है, और ये जो बोनस दिया है देख सकते हैं सितंबर 2018 में, यहाँ पर देखेंगे एक्स बोनस डेट तो ज़्यादा अच्छा है, अक्टूबर 30 2018 एक्स बोनस डेट था, मतलब इस दिन तक जिनके पास शेयर था उसको बोनस मिल गया। उसके बाद 2017 में देख सकते हैं, पीछे जाएंगे तो 15, 13, 12 देख सकते हैं कितनी बार ये कंपनियाँ बोनस दिया है। तो ये कंपनियां है जो कि लगातार बोनस रेगुलर रूप से देते रहती है, लेकिन अभी कैसे बोनस देगा देख सकते हैं, प्राइस जो है ऑलरेडी जो है लगभग 40% करेक्टेड प्राइस है, 40-30% ये प्राइस करेक्शन पे आपको मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनियां बोनस कहां से देगी, तो समझ सकते हैं। तो अभी बोनस देने का कोई चांस नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ऐसे जब मूवमेंट आए, ऐसे जब अपॉर्चुनिटी आए तो ऐसे में इन्वेस्ट कीजिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं। ऐसे नहीं कि हम इस वीडियो में जो स्टॉक बता रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, ये तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं जो कि बोनस दिया है इसमें से कुछ कंपनी आप चूज कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ पर कंपनी का नाम है, आप यहाँ पर कंपनी का नाम भी देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये लेफ्ट हैंड में जो ऊपर कॉर्नर है लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पर कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पर BSE पे प्राइस, यहाँ पर NSE पे प्राइस, फिर यहाँ पर बोनस देख सकते हैं ये कंपनियाँ सेप्टेम्बर 2018 में, जून 22 2017 में। तो समझ सकते हैं पिछले 3 साल में 2-2 बार ये कंपनियाँ क्या की है, बोनस दी है। साथ साथ यहाँ पर स्प्लिट भी देखते हैं, अगर कोई स्प्लिट क्या हो तो वो भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक स्प्लिट भी बोनस के तरह है, मतलब स्प्लिट में भी अगर हाफ किया जाता है प्राइस तो एक शेयर आपको फ्री दिया जाता है उसी रेशियो में, जिस रेशियो में स्टॉक का फेस वैल्यू स्प्लिट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा विप्रो के मैजिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि विप्रो में अगर आप 1980 ईस्वी में अगर 10,000 रुपया कोई इन्वेस्ट कर देता
अगर 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर देता तो वो 1,000 करोड़ रुपये का अभी तक मालिक होता। समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। उतना छोड़िए, अगर इस कंपनी में, विप्रो में, अगर किसी ने 1980 ईस्वी में एक शेयर बाय कर लिया होता, मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट करता, तो भी वो अभी करोड़पति होता। तो समझ सकते हैं इसका एक शेयर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसका एक शेयर आपको करोड़पति बना सकता था। अभी भी हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है जिसे आपको ढूंढना है और उसका बेनिफिट्स लेना है। तो इसी का काम करते हम इस अपने चैनल पे, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो स्टॉक्स हैं जो बोनस के रूप में मैजिक रिटर्न देता है, कोई ग्रोथ के रूप में मैजिक रिटर्न देता है, कोई डिविडेंड के रूप में एक मैजिक रिटर्न देता है, तो उन सारी कंपनियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्या होना चाहिए? कंपनियां अच्छी होनी चाहिए जिसके आगे चलकर के बिजनेस में ग्रोथ हो, मतलब लॉजिक स्पष्ट हो, तभी जाकर के आपको मैजिक रिटर्न मिल सकता है। कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, तो इन सारी चीज पैरामीटर आपको देखना है। कंपनियां डेब्ट फ्री हो, तो देख सकते हैं विप्रो जो हमारा 2019 मार्च 2019 में दिया है, उसके बाद देखते हैं जून 2017 में दिया है, उसके बाद देखिएगा। तो हम तो मेन 2-3 साल पिछले साल की कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी कंपनियां लगातार बोनस दे रही है, साथ साथ इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखेंगे 10, 5, 4, देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बोनस दिया है। तो समझ सकते हैं इतना ज़्यादा बोनस दिया है विप्रो ने, जो लगातार बोनस देने वाली कंपनी है। उसके बाद है हमारा, देखते हैं गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड देखते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है, और ये भी कंपनी काफ़ी बार बोनस दी है। देखते हैं 3 साल में लगातार 3 बार, देखते हैं 17, 18, 19, देखते हैं लगातार 3 साल, देखते हैं जुलाई 2019 में, मार्च 2018 में, मार्च 2017 में, 3-3 बार लगातार ये जो है आपको बोनस दिया है। समझ सकते हैं ऐसी बेहतरीन कंपनियां जो 3-3 बार लगातार आपको बोनस के रूप में एक जो है शेयर फ्री दिया है आपको, फ्री। उसके बाद हमारा अगला जो कंपनी है देखते हैं बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन इसका हम देख लेते हैं कब कब ये शेयर जो है आपको बोनस में के रूप में दिया है ये कंपनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बोनस पे क्लिक किया 2019 में, जून 12 2019 में, जून 15 2017 में, देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में 2-2 बार लगातार ये भी कंपनी आपको बोनस के रूप में शेयर दिया है। तो समझ सकते हैं ये भी कंपनी अब बेहतरीन है जो कि पिछले 3 साल में 2 बार लगातार बोनस आपको दिया है। उसके बाद आते हैं अगले कंपनी पर, देख सकते हैं तेज नकस हेल्थ केयर लिमिटेड। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। ये कंपनियां जो तेज नकस हेल्थ केयर लिमिटेड है, देख सकते हैं ये बोनस कब कब दिया है, 2018 अप्रैल में, मार्च 2017 में। समझ सकते हैं ये भी कंपनियां बेहतरीन बोनस दिया है। इसका बोनस का रेशियो देखिएगा तो आप अचंभित रह जाएंगे। देख सकते हैं 10 शेयर पे अगर आपके पास 10 शेयर है तो 36 शेयर एक ही बार आपको फ्री दे दिया। समझ सकते हैं 10 शेयर है आपके पास तो 36 शेयर उस पर फ्री, तो हो गया 46 शेयर। उससे पहले भी 2017 में देखते हैं 1:1 का बोनस फ्री, मतलब अगर आपके पास 5 शेयर होता 2017 में तो 5 हो गया 1/1 फ्री, तो 10 शेयर फिर 10 पे 36 शेयर, मतलब 5 शेयर आपका बन गया 46 शेयर। समझ सकते हैं कि 2 साल में ही आपका 5 शेयर बन गया 46 शेयर। समझ सकते हैं ये बेनिफिट्स है बोनस शेयर का, ये बेनिफिट्स है बोनस शेयर का। मतलब आपने 5 शेयर खरीदा वो बन गया आपका 46 शेयर, मतलब जितना प्राइस है देख सकते हैं 47 रुपया, उतना नंबर ऑफ शेयर ही आपके पास है। समझ सकते हैं आप 5 शेयर खरीदे मात्र, और वो शेयर का संख्या ही इसके प्राइस के बराबर चला गया। समझ सकते हैं इतना बेहतरीन रिटर्न देता है बोनस। उसके बाद हमारा अगला है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ये कब कब बोनस दिया है चलिए देख लेते हैं। तो ये सारे हमने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए लेके आया है, और देख सकते हैं ये भी कंपनियां पिछले 3 साल में 2 बार लगातार बोनस दी है, 2018 जुलाई में, जुलाई 2017 में। देखते हैं 1:10 का मतलब 10 शेयर पर 1 शेयर आपको बोनस के रूप में, 10 शेयर पर 1 शेयर आपको बोनस के रूप में। उसके साथ साथ आप स्प्लिट भी देखते रहेंगे, कोई स्प्लिट दिया है तो वो भी आपका बोनस के रूप में ही है, तो इसका स्प्लिट बहुत पीछे है। तो ये 2 बार बोनस ये भी कंपनी आपको दिया है। अगला है हमारा अर्फिन इंडिया लिमिटेड। ये शेयर कब कब बोनस दिया है देख सकते हैं, नवंबर 2018 में,
नवंबर 2017 में, पिछले 3 साल में 2-2 बार बोनस दिया है इस कंपनी ने भी। देख सकते हैं कि 2018 में भी बोनस, 2017 में भी बोनस, तो ये समझ सकते हैं पिछले 3 साल में 2-2 बार बोनस दिया है इस कंपनी ने भी। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 3 साल में 2-2 बार रिटर्न, तो कोई 3-3 बार रिटर्न, मतलब 3 साल में 3 बार रिटर्न। तो समझ सकते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपको बोनस के रूप में बहुत ही गजब का रिटर्न देते हैं। तो अगला है हमारा एलेक्जेंडर स्टैम्प्स एंड क्वाइन लिमिटेड। एलेक्जेंडर स्टैम्प्स एंड क्वाइन लिमिटेड, इस स्टॉक में देखते हैं कब कब बोनस मिला है आपको। देख सकते हैं सेप्टेम्बर 2018 में, अक्टूबर 2017 में, 2-2 बार बोनस पिछले 3 साल में, तो समझ सकते हैं। अगला हम स्टॉक पे चलते हैं जो कि हमारा पिछले कई, मतलब 2-3 सालों में 2-3 बार बोनस दिया है, मतलब जो कि रेगुलर बोनस दे रहा है पिछले कई सालों से। तो ये अगला है हमारा गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये हमारा जो है बोनस कब कब दिया है, मई 2018 में, नवंबर 2017 में, तो समझ सकते हैं 2-2 बार ये भी आपको बोनस दिया है। साथ साथ देख सकते हैं ये स्टॉक स्प्लिट, मतलब ये भी एक तरह से आपके लिए बोनस शेयर ही है, मतलब मई 2018 में ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ और स्प्लिट होने के बाद आपको बोनस भी मिला। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन है। स्प्लिट जो हुआ 10:5 हुआ, मतलब फेस वैल्यू 10 था तो 5 कर दिया गया, मतलब एक शेयर पे एक शेयर आपको फ्री मिला, क्योंकि जो फेस वैल्यू आधा किया गया तो शेयर आपका 2 गुना हो जाएगा, मतलब जिस रेशियो में फेस वैल्यू आधे किया जाता है उसी रेशियो में आपका शेयर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब उतना शेयर फ्री मिल जाता है आपको। उसके बाद देखते हैं अगला स्टॉक से हमारा केपी एनर्जी लिमिटेड। केपी एनर्जी लिमिटेड, ये स्टॉक्स कब कब बोनस दिया है तो इसका रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो देखते अप्रैल 2018 में और मार्च 2017 में, समझ सकते हैं ये भी शेयर आपको पिछले 3 साल में 2-2 बार बोनस दिया है। तो समझ सकते हैं ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 3 साल में 2-2 बार बोनस, तो पिछले 3 साल में 3-3 बार बोनस देने वाले भी स्टॉक्स हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड, एक PSU का स्टॉक्स है, कोई बाय करना नहीं चाहते हैं लेकिन ये स्टॉक्स पिछले 3 साल में 3-3 बार बोनस, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। अगला है हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक्स कब कब बोनस दिया है ये देख लेते हैं। तो देखते हैं 2018 में, 2017 में, इसका पीछे का रिकॉर्ड भी देखिएगा काफ़ी बेहतरीन है, 13 में, 8 में, तो काफ़ी बार ये बोनस दिया है, लेकिन पिछले 3 साल में 2-2 बार बोनस। तो ऐसे बेहतरीन रिकॉर्ड वाले जो स्टॉक्स है वो निश्चित है कि आपको बोनस बार बार देते रहेंगे। साथ साथ देख सकते हैं ये हमारा फेस वैल्यू भी स्प्लिट हुआ है, मतलब 1:1 का बोनस तो आपके फेस वैल्यू स्प्लिट होने से भी मिल गया, साथ साथ यहाँ पर आपको बोनस मिल गया। देख सकते हैं 2017 में, 2018 में स्प्लिट हुआ, उससे भी एक तरह से आपके लिए बोनस ही है। 10 से फेस वैल्यू 5 हुआ तो 1:1 का, मतलब एक शेयर पर एक शेयर आपको फ्री मिल गया फेस वैल्यू स्प्लिट होने से, साथ साथ बोनस भी दिया है 2-2 बार, मतलब समझिए 3 साल में आपको 3 बार बोनस मिल गया स्प्लिट होने से, स्टॉक के स्प्लिट होने से। तो उसके बाद हमारा अगला स्टॉक्स है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं बोनस कब कब दिया है ये स्टॉक्स, 2018 मार्च में, जनवरी 2017 में, ये भी स्टॉक्स 2-2 बार आपको देख सकते हैं बोनस दिया है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, ये भी स्टॉक्स आपको 2-2 बार मतलब आपको बोनस दिया है पिछले 3 साल में। तो समझ सकते हैं ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स थे जो कि पिछले कई सालों से आपको लगातार बोनस दिए हैं। और आगे के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे मतलब कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आगे आने वाले समय में आपको बोनस दे सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी करेक्शन आया हुआ है, लेकिन वैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें करेक्शन है ही नहीं, तो वैसे स्टॉक बोनस दे सकते हैं, लेकिन उसके पास जो कैश होना चाहिए उस कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। जब कैश रिजर्व बहुत ही ज़्यादा होता है कंपनी के पास, कैश जब बहुत ज़्यादा होता है तब वो बोनस दे सकता है। तो वैसे कंपनियों के भी लिस्ट हम लेकर के आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से कि आगे आने वाले समय में कौन सी कंपनी आपको बोनस दे सकती है। तो एक बात जान लीजिए कि IT कंपनियां बहुत अच्छा बोनस देती है, सीमेंट सेक्टर की कंपनियां, साथ साथ देख सकते हैं कि मदरसन सुम्मी, ये सब कंपनियां आप जो है हमेशा याद रखें, ये सब कंपनी आपको काफ़ी अच्छा बोनस देती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।